पुलिस उप महानिरीक्षक फायर जुगल किशोर जी हमारे साथ में हैं। बहराइच का आज इन्होंने आकस्मिक निरीक्षण किया है। जिस फायर स्टेशन पे उप महानिरीक्षक जी गए हैं वहाँ पर काफ़ी कमियाँ पाई हैं, इन्होंने काफ़ी दिशा निर्देश दिया है। मैं बात कर लेता हूँ कि क्या इन्होंने कहा है और क्या क्या आगे इनकी प्लानिंग है। सर, आप आज आपने निरीक्षण किया है, क्या कमियाँ मिली हैं, क्या आपने बताया? देखिए, एक तो ये जो फायर स्टेशन है हमारा काफ़ी पुराने कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है, तो जर्जर स्थिति है भवनों की, आवासों की भी। उसके लिए मैंने SP बहराइच से कहा है कि एक नया प्रस्ताव बना करके न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए इसको भिजवाया जाए। मौके पर जो हमारे प्रभारी FSO मौजूद थे उनको भी ये निर्देशित किया है हमने। जो है एक इंक्रोचमेंट जो हमें दिखा है गेट के बगल में, उसके बारे में जानकारी हुई, इन्होंने बताया कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसकी भी हमने सूचना मांगी है, फाइल देखेंगे और अगर ऐसा कुछ स्टे वगैरह है तो उसको वैकेट कराएंगे, क्योंकि ये जनहित में नहीं है, जिससे मूवमेंट गाड़ियों का हमारा फ्रिक्वेंटली हो सके। हमने सतर्कता देखी, वो संतोषजनक पाई गई लोगों की जो है, और शेष हम लोग न्यू इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें फायर के लिए प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में भी कर्मचारियों से जानकारी की। हमने एक छोटा सा सम्मेलन भी किया, जितने कर्मचारी मौजूद थे उनको बुला करके उनकी यदि कोई समस्या है उसकी जानकारी भी की, और ये अच्छी बात है कि किसी ने कोई विशेष समस्या इस संदर्भ में अपनी नहीं बताई है। सर, अग्निशमन विभाग काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण विभाग है, क्या इसको कुछ नवीनीकरण करने के लिए कोई प्रस्ताव किए जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश सरकार की ये वरीयता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रदेश की सभी तहसीलों में अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। करीब 169 तहसील रन कर रही हैं इस समय जो है, तो ये पहली प्रायोरिटी हमारी है कि हर जगह जमीन लेकर के और प्रस्ताव बना करके अग्निशमन केंद्र स्टार्ट किए जाएँ। अभी 2000 की भर्ती इस सरकार में हुई है, जो 30 तारीख को सब जगह से जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं हमारे, वाराणसी में हैं, झांसी में हैं, उन्नाव में हैं, वो हमारा अपना ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तीपुर उन्नाव में, गोंडा में है जहां मैं अभी जा रहा हूं, कल वहां पर पासिंग आउट परेड है। 2000 करीब हमारे कर्मी निकल रहे हैं प्रशिक्षित होकर के, और जैसा मैंने बताया कि इनके लिए जो आधुनिक आवश्यकता के अनुसार जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो यूनिफॉर्म चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स चाहिए, वो सब क्रय करने की कार्रवाई चल रही है। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। कुछ अग्निकांड जो यहाँ पर हुए उस तरह की घटनाएं प्रदेश में दोबारा ना हो, उसके लिए वो सारे उपाय किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पुलिस उप महानिरीक्षक जुगल किशोर जी ने साफ तौर पर बताया कि आधुनिकता के दौर में जो अग्निशमन विभाग है लगातार उसमें नवीनीकरण किया जा रहा है, नए प्रयोग किए जा रहे हैं, और जल्द ही 2000 जवान जो है वो इस विभाग में आ जाएंगे, तो जब ये जवान जब इस विभाग में आएंगे तो निश्चित तौर पर जो विभाग का जो काफ़ी दबाव है वो कम होगा और जो काम है काफ़ी तेज़ी से चल बढ़ेगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच।